अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप अपने नोज और चिन से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव कर सकते हैं। ये रेमेडी बहुत ही आसान और 100% इफेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। इस प्रोसेस को कहते हैं हनी एंड मिल्क पोर स्ट्रिप। इसके लिए आप लोगों को चाहिए शहद, दूध और कॉटन स्ट्रिप। इसके लिए आप एक पुरानी कॉटन के कपड़े को चिन या नोज के हिसाब से काट लीजिए। अब एक बाउल में एक चम्मच शहद और एक चम्मच दूध लेके मिला लीजिए। अब इस मिक्सचर को 10 से 15 सेकेंड के लिए डबल बॉयलर प्रोसेस से हीट कीजिए। शहद और दूध दोनों ही स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है, साथ ही दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन को फेयर, सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है। 10 से 15 सेकंड बाद जब इस मिक्सचर की टेक्सचर अप्लाई करने लायक हो, तब इसे अपने ब्लैक हेड्स एरिया में उसकी एक थिन लेयर अप्लाई कीजिए और इसके ऊपर जेंटली बहुत जोर और टाइट करके इस कॉटन स्ट्रिप को इसे लगा दीजिए। अब इसे सूखने के लिए 20 से 30 मिनट तक छोड़ दीजिए। 20 से 30 मिनट बाद इस स्ट्रिप को पील ऑफ केयरफुली कर लीजिए, यानी कि आराम से उतार दीजिए और फिर ठंडे पानी से धो लीजिए। फाइनली अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लीजिए। ऐसा आप कुछ हफ्तों तक 2 से 3 बार कीजिए। इस ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स एकदम इससे रिमूव हो जाएंगे। तो व्यूवर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।